हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का विंजो ऐप के एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, पिछली मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि कैसे आप विंजो ऐप को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए डिलीट कर पाएंगे। जो मैंने उसमें तरीका बताया हुआ था वो तरीका थोड़ा सा उबाऊ, बोरिंग और काफ़ी लंबा प्रोसेस था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक नए तरीके के बारे में जानेंगे जिससे कि आप विंजो ऐप को आसानी से डिलीट कर पाएंगे। जो पिछला तरीका था उस तरीके को काफ़ी लोगों को समझने में, अप्लाई करने में दिक्कत हो रही थी। सो वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप विंजो ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर जहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो करती है इस पर आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद ऐसा कुछ ओपन होगा। फिर राइट साइड के कॉर्नर पर सेटिंग का जो साइन होता है इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद फिर इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि माइनस अकाउंट, इस पर टच कीजिएगा। यहाँ से इतने सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है कि डिलीट अकाउंट, इस पर आप टच कीजिएगा। ठीक, फिर ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है, अलर्ट भी है कि अगर आप डिलीट करते हैं तो जो भी आपके अकाउंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगी वो डिलीट हो जाएंगी और उसको यूज़ करके फिर से आप दोबारा विंजो ऐप पे नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, तो अगर डिलीट नहीं करना चाहते तो कैंसिल, और करना चाहते तो कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यू पर टच कर देते हैं। ऐसा करने का तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, डिलीट अकाउंट ऊपर लिखा रहेगा। फिर लिखा है कि थिंग्स यू शुड नो बिफोर अकाउंट डिलीटेशन। अकाउंट डिलीट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है, ठीक है, कि अगर आप अकाउंट डिलीट करते हैं तो जो भी आपके अर्निंग की डिटेल होगी, गेम प्ले या जो भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होगी, वह सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा। फिर लिखा है कि सेकेंड है कि यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू यूज योर एग्जाइटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल टू साइन इन और साइन अप ऑन द विंजो ऐप। प्रेजेंट टाइम में जिस भी तरीके से आप साइन इन या साइन अप कर पाते थे विंजो ऐप पे, जो भी यहाँ पे आप तरीका यूज़ करते थे या जो भी मोबाइल नंबर यूज़ करते थे उसको आप यूज़ करके फिर दोबारा से आप यहाँ पे नहीं लॉगिन या साइन अप या साइन इन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर है कि जैसे ही अगर आप डिलीट करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे जो भी आपके बेनिफिट्स होंगे, जो भी परफॉर्मेंस होंगे, जो भी बोनस होंगे, जो भी प्रमोशनल ऑफर्स होंगे, सारे चीज़ हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर है कि यह जो अगर आप डिलीट करने के लिए अप्लाई करते हैं तो यह जो आपकी रिक्वेस्ट है 180 दिनों बाद पूरी की जाती है। 180 दिनों बाद यह आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। यहाँ पे है कि वैलिड बैलेंस, अनप्लेड बैलेंस, यहाँ पर जो भी आपका अनप्लेड बैलेंस होगा वो शो कर देगा। यहाँ पे लिखा भी है कि जो भी आपका अनप्लेड बैलेंस है अकाउंट डिलीट करने से पहले आप उसे यूज़ कर लीजिए, विथड्रा कर लीजिए, ठीक है, या उसे विनिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, वरना एक बार अकाउंट डिलीट होने के बाद फिर यह आपका रिकवर नहीं होगा। फिर है आपका विनिंग बैलेंस। ठीक, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप अकाउंट डिलीट करते हैं तो जो यह पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर विंजो ऐप पे जो भी आप अपना बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी कुछ भी, एटलीस्ट एक विथड्रॉल ऑप्शन यहाँ पर ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो भी होगा विनिंग बैलेंस का अमाउंट वो आपको आप भेज दिया जाएगा। ठीक, अगर नहीं ऐड हुआ होगा, ठीक है, तो फिर जो भी आपके अकाउंट डिलीट होने के बाद फिर से आपको वो भेजा नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से आपको रिफंड नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे है कंटिन्यू, कंटिन्यू पे टच कर दीजिएगा। फिर ऐसा आ जाएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट्स मेकिंग यू लीव विंजो, आप विंजो को क्यों छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे रीज़न दिख जाएंगे, कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चूज करते हैं कि आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन द ऐप, मैंने इस पर टच किया। आपके पास कोई अदर भी रीज़न हो तो यहाँ पर बॉक्स है चौकोर, इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऊपर की तरफ स्लाइड, नीचे कंटिन्यू, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद फिर से आपका कुछ अटेंशन इस टाइप से आएगा। ठीक है, जहाँ पर लिखा है कि जब भी अगर आपका अकाउंट डिलीट होता है तो जो भी आपने KYC डॉक्यूमेंट यूज़ किया होगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने यूज़ किया हुआ है, आप किसी और विंजो अकाउंट पर उस KYC को, उस मोबाइल नंबर को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है कि अगर आप अनश्योर हैं, अगर आप यहां से इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं
तो यहाँ से डीएक्टिवेट पर टच करके इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है डिलीट, इस डिलीट पर आप टच कर दीजिए। ठीक, फिर कुछ ऐसा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। लिखा है कि अकाउंट डिलीटेशन रिक्वेस्ट सबमिट, जो भी अकाउंट डिलीट करने का जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गया है, आपका अकाउंट 180 दिनों में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, 180 दिन के अंदर जो आपका अकाउंट फिलहाल वो डीएक्टिवेट मोड में रहेगा। ठीक है, अगर आप इसे 180 दिन के अंदर चाहें तो रीएक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपका मूड बदल जाए, अदरवाइज 180 दिन के बाद यह ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसे फिर से रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो जो भी विंडो ऐप पे आपकी लॉगिन आईडी है उससे लॉगिन करना है। फिर है कि एनी अनप्लेड बैलेंस, जो भी अनप्लेड बैलेंस होगा वो आपके प्रीफर्ड विथड्रॉल ऑप्शन में, जो भी आपने प्रीफर्ड ऑप्शन डाला होगा विथड्रॉल वाले सेक्शन में, वहाँ पे अकाउंट डिलीट करने से पहले आपको भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ पे अकाउंट डिलीटेशन रिक्वेस्ट डिटेल होगी, टिकट आईडी होगी, स्टेटस होगा जो कि इन प्रोग्रेस दिखा रहा है आपका। फिर यहाँ पे कि रीएक्टिवेट अकाउंट, अगर आप डिलीट करने के बाद आप सोचते हैं कि हम इसे रीएक्टिवेट कर लें तो इस पर टच करके आप अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। 180 दिन के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नीचे लिखा है कि लॉग इन एज अ न्यू यूज़र, अगर आप न्यू मोबाइल नंबर से या जिस भी तरीके से आप लॉग इन करना चाहते हो तो इस पर टच करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना विंडो ऐप पे जो भी अकाउंट है उसे हमेशा के लिए डिलीट कर पाएंगे। ठीक, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि अप्लाई तो आपने यहाँ से कर दिया डिलीट करने के लिए, अगर आपका मन बदल जाता है तो इसे कैसे आप रीएक्टिवेट कर पाएंगे उसे भी हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो और जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तब तक लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।